हाउा ईरम बिसमिलीम आई एम बशीर अहमद किरमानी टीचर जी पी एस शानू जून मावर कल फिफ सब इी वी एस टुडे अवर टॉपिक इज एक्परमेंट्स वाटर एक्सपरमेंट वाटर पानी के साथ तज्रुबे ना लट्स स्टार्ट लेट बिगिन What floats and what sinks? What pollutes What sinks? Dear students, float means those things which float over water, on water, and sinks means those things which sinks in water. Aisha was waiting for dinner. दिस लेसन आयशा इज़ अ गर्ल विच वी वॉज वेटिंग फॉर डिनर आयशा टुडे अमी वाज मेकिंग हर फेवरेट फूड पूरी एंड स्पाइसी स्पाइसी पोटैटोज तो प्यारे बच्चों ये जो इस सबक में हम, हमने पढ़ना है ये वाट फ्लोट्स वाट सिंकस कुछ चीज़ें होती हैं जो पानी पर तैरते हैं और कुछ चीज़ें जो पानी के अंदर डूब जाती हैं तो इस सबक में आयशा एक लड़की होती है जो डिनर शाम के खाने का इंतज़ार करती है तो आज उसकी मम्मी ने उसके लिए अपने फेवरेट खाना बनाया है पूरी एंड स्पाइसी पोटैटोज़ आयशा वाचड एज हर मदर रोल्ड आउट द पूरी एंड पुट इट इन द हॉट ऑयल तो आज आशा की जो इम्मी है वो रोल करती है किसको आटे को तो ये उसके लिए क्या उन गोल गोल बनाती है वो क्या बना रही है पूरी तो वो पूरी को पूरी बनाती है तो किस में डालती है गरम तेल में She saw that at दैट एट फर्स्ट द पूरी the टू of ऑफ pan तो पहले देखते हैं कि जब उसकी माँ पूरी बनाती है तो जब वो पूरी पहले जो आटे की पूरी जब वो उसमें गर्म तेल में डालते हैं तो पहले ये पूरी डूब जाती है इस तेल में बॉटम पर बैठती है नीचे जाती है एज इट पाफड़ अप द पूरी कैम अप एंड स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द ऑयल तो जब ये पूरी पकना शुरू होती है तो पापड़ होती है तो ये तैरना शुरू करती

बाल तो अशा क्या करती है तो उसने कुछ कुछ आटा गूंदा हुआ आटा उसने लिया कि उसमें रोल बनाया तो वो क्या करती है तो उसने छोटी-छोटी बाल बनाई उसके आटे की शी फ्लैटेड इट एंड पुट इट इन ए बाउल ऑफ वाटर तो उसने वो रोल करना शुरू किया कर, उसने फ्लैट बनाया उसको तो उसने वो किसमें डाला ए बाउल ऑफ वाटर पानी के एक बाउल में अलास इट इट्स टू द बॉटम एंड स्ट्रीट दियर तो क्या होता है कि जब उसमें वो आटा गूँधा हुआ आटा उसमें फ्लैट बना दिए तो रोटी बना रोटी जैसी बना दी तो जैसे ही उसने पा उस बाउल में डाला तो ये पानी के नीचे चला जाता है तो पहले बच्चों हमने आज इस सबक में ये ये सीखा है कि जब ये दो तरह की चीज़ें होती है इधर जो एक कसम का कुछ चीज़ें पानी के ऊपर तैरती हैं तो कुछ चीज़ें पानी के अंदर डूब जाती हैं तो आप घर में एक काम करना कि एक लिस्ट बनाना कि उन चीज़ों का नाम लिखना जो सिंक फ्लोट होती है और उन चीज़ों का नाम जो पानी के अंदर डूब जाती है तो ये एक लिस्ट बना के रखना अपनी कापी पर तो ये था आज का सबक हमारा तो इन हम कल से आगे पढ़ेंगे वही था आज का सबक खुदा अस्सलाम वालेकुम